एक बार संत नामदेव और वारकरी पंथ के लोग तीर्थ यात्रा करते करते नागपुर के पास औंदा नागनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के तीर्थ स्थल पर पहुंचे। वे सभी भगवान शिव के दर्शन करने के लिए बहुत ही उत्सुक थे, पर वे जब मंदिर के अंदर जाने लगे तो वहां के पंडितों ने उन्हें रोका। ठहरो, तुम अंदर नहीं जा सकते। पंडित जी क्यों? अरे बताओ तुम्हारा नाम क्या है? नामदेव। नामदेव, तुम्हारा जात क्या है? पता नहीं। क्या कुल कौन सा है? वह पता नहीं। गोत्र क्या है? मुझे नहीं मालूम। अरे कम से कम तुम्हें तुम्हारा पिता का नाम तो पता होगा। हाँ हाँ, विट्ठल, विट्ठल। अच्छा, क्या काम करते हो? मैं एक दर्जी हूं। अरे तुम्हें तुम्हारा धर्म, जात, कुल, गोत्र कुछ भी पता नहीं? तुम मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। जो भी करना है बाहर करो, पर मंदिर के अंदर तुम पाँव भी नहीं रख सकते। यह सब बातें सुनकर नामदेव जी को बहुत दुख हुआ, पर उन्होंने कहा, जैसी विट्ठल की इच्छा। और मंदिर के बाहर ही सभी भक्तों के साथ भजन गाने लगे। कुछ समय बाद पंडित फिर से वहां आए और कहा, अरे ये क्या है? शिव मंदिर के बाहर तुम विट्ठल के भजन गा रहे हो? ये सब बंद करो, और जो भी करना है तुम मंदिर के पीछे जाकर करो। नामदेव जी और वारकरी पंथ के लोगों को यह बात बहुत अपमानजनक लगी। उनकी आंखों में आंसू भर आए और वे मन ही मन भगवान विट्ठल से कहा, हे विट्ठल, ये तुम्हारी कैसी लीला है? तुम्हारे होते हुए भी हमारा ऐसा अपमान, ऐसा तिरस्कार। विट्ठल, तुम ही तो हो हमारे सब कुछ। विट्ठल, विट्ठल, विट्ठल। और फिर नामदेव सभी भक्तों के साथ मंदिर के पीछे चले गए और वहीं श्रद्धा और भक्ति से भजन गाने लगे। उन्हें याद ही न रहा कब शाम हुई और कब रात। भगवान विट्ठल के प्रति उनके अगाध प्रेम और भक्ति भाव को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और फिर द्वार समेत पूरा मंदिर घूम गया। और शिव जी ने नामदेव और सभी भक्तों को दर्शन दिया। सुबह जब पंडित द्वार खोलने आया तो अचंभित हो गया। उसने देखा कि मंदिर द्वार समेत पूरा घूम गया है। उसे अपने गलती का एहसास हुआ। उसने नामदेव जी के चरणों पर गिरकर क्षमा याचना की और नामदेव जी के साथ सभी भक्तों को प्रथम शिव दर्शन और अर्चना के लिए आग्रह किया। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर एक है, वही शिव, वही कृष्ण, वही ब्रह्मा और वही विष्णु।